हेलो। हाँ, सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं अखिलेश कुमार आज आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ लाइव वीडियो के साथ। आज मैं सभी लोगों से बात करना चाहूँगा ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे कि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है। बहुत चर्चाएं की जा रही हैं आजकल, डिसेबिलिटी पे बहुत फोकस है कि चिल्ड्रन डिसेबिलिटीज के एजुकेशन के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स को लेकर के। इससे को शुरू करने से पहले मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सोमू सिंह जी का, आदरणीय सोमू सिंह जी ने मुझे इस फेसबुक लाइव सेशन का मौका दिया, वो भी मेरे कन्वीनियंस और मेरी सुविधा के अनुसार। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। तो आगे चलते हैं कि ऑटिज्म, ऑटिज्म का सिंपल मीनिंग है, साधारण अर्थ है ऑटिस्टिक बच्चे का कि वो अपने आप में खोया रहता है। स्वलीनता, इसके लिए हिंदी शब्द ढूंढा गया है कि जो बच्चे स्वलीन हैं, अपने आप में खोए हुए हैं, अपने आप में लीन हैं, वो ऑटिस्टिक बच्चे हैं। लेकिन इस पर जाने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हमें क्यों जानने की ज़रूरत है ये कि अक्षमता युक्त तो बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज जो होते हैं, उनकी श्रेणियाँ कौन कौन सी होती हैं और हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो उसमें पहली बात तो मैं करना चाहूँगा कि डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज जो हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो हैं, उनके बारे में जानना एक शिक्षक और एक टीचर एजुकेटर दोनों के लिए आवश्यक इसलिए है कि सबसे पहली चीज लेबलिंग है। जैसे ही आप जानते हैं उनके बारे में, उनको अलग अलग श्रेणियों में लेबल करते हैं, उसके उनके जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। लेबलिंग के सकारात्मक प्रभावों में ये है कि जो भी सरकारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं, उसके लिए एक लेबलिंग जरूरी है। जैसे आज की तारीख में हम आप सब जानते हैं कि कोई भी सरकारी सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना जरूरी होता है, देना जरूरी होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, लेबलिंग के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज बहुत सारे हैं। लेबलिंग के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज में ये है कि जैसे ही आप लेबल करते हैं कि ये बच्चा मानसिक मंदता का है, ये बच्चा बौद्धिक अक्षमता का है, ये बच्चा ऑटिज्म का है, वैसे ही सोसाइटल एक्सपेक्टेशन जो है उनसे कम हो जाती है और सोसाइटल परसेप्शन चेंज हो जाता है और लोग उसको एक नकारात्मक नजरिए से देखने लगते हैं। लेबलिंग का एक उदाहरण मैं अभी बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने कुछ साथियों से बात कर रहा था इस कोरोना वायरस पे, क्योंकि कोरोना वायरस एक छुआछूत की बीमारी है, तो लोगों का परसेप्शन जो है कुछ लोगों का कैसा था। उसमें से हमारे एक साथी ने कहा कि सर, आज तो कोटा को भी ये कलंक लग ही गया। अब आप सोचे कि जब एक छुआछूत की बीमारी को लोग कलंक की तरह मान सकते हैं, तो जैसे ही आप बात करते हैं, लेबल करते हैं किसी बच्चे को कि उसको ये पार्टिकुलर, ये विशेष प्रकार की क्षमता है, उसका पूरा जीवन प्रभावित होता है, उसकी पूरी फैमिली प्रभावित होती है। फैमिली वाले शर्म संकोच के बारे में लोगों को बता नहीं पाते, इसलिए ये जरूरी है जानना कि जब तक गहराई में ना जाने कि वास्तव में उसको ये क्षमता है या नहीं है, तब तक किसी को लेबल करना, ये डिक्लेयर करना कि उस बच्चे को ये अक्षमता है, ये ठीक नहीं है। इसके अलावा, चूंकि जब लेबलिंग करते हैं आप, बच्चे की लेबलिंग कराई की जाती है, तो उसको उपयुक्त सेवाएं मिलने लगती हैं कि एक ऑटिज्म के बच्चे को क्या सेवा मिलनी चाहिए, एक बौद्धिक क्षमता के बच्चे को क्या सेवा मिलनी चाहिए, एक दृष्टिबाधिता के बच्चे को क्या सेवा मिलनी चाहिए। ये हमें, हमारे एक्सपेक्टेशंस को भी प्रभावित करता है। जब आप जानते हैं कि इस बच्चे में ये विशेष प्रकार की आवश्यकता है, इस बच्चे की ये विशेष प्रकार की अक्षमता है बच्चे में, तो आपके एक्सपेक्टेशंस भी उससे परिवर्तित होते हैं, जो सकारात्मक रूप से उसकी शिक्षा को प्रभावित करता है, उसके स्ट्रेंथ्स के बारे में आप जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक शिक्षक होने के नाते आप ये बता सकते हैं कि उस बच्चे को किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, जो कि उसको अप्रोप्रिएट सर्विसेज दिलाने में उसकी मदद करेगी। आगे चलते हैं, कुछ चीजें जान लें ऑटिज्म के बारे में हम लोग।
सबसे पहला कि ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब कि डेवलपमेंटल पीरियड में होता है। डेवलपमेंटल पीरियड 18 साल से पहले पहले जो हमारा है लाइफ का, उस डेवलपमेंटल पीरियड में होता है। इसके अलावा ऑटिज्म इज नियरली 5 times मोर कॉमन इन बॉयज देन गर्ल्स। लड़कों को ये ज्यादा अफेक्ट करता है, लड़कियों की बजाय 5 गुना ज्यादा अफेक्ट करता है। ऑटिज्म फ्रीक्वेंटली अकर्स विथ अदर डायग्नोसिस। ऑटिज्म में बहुत सारी को मॉर्बिड कंडीशन होती है, मतलब इससे जुड़ी हुई कई सारी कंडीशन होती है। कई बार ऑटिज्म के बच्चे जो है वो आपको मिलेंगे बौद्धिक अक्षमता के या कोई और डिसेबिलिटी उसके साथ एसोसिएटेड होगी। इसके अलावा चिल्ड्रेन एंड एडल्ट डायग्नोस्ड विथ ऑटिज्म कैन लर्न एंड इम्प्रूव। अगर आप में से किसी को, हम में से किसी को ये समझ में आता है कि ऑटिज्म के बच्चे सीख नहीं सकते, ऑटिज्म के बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो ये धारणा गलत है। ऑटिज्म के बच्चे प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज बिफोर एज 3 आर क्रिटिकल फॉर इम्प्रूविंग फ्यूचर आउटकम्स। विशेष शिक्षा या समावेशी शिक्षा की जब भी बात करते हैं तो उसमें अर्ली इंटरवेंशन, शीघ्र हस्तक्षेप का बहुत महत्व है। जितनी जल्दी बच्चे में कोई डिसेबिलिटी, कोई क्षमता या कोई उसकी विशेष आवश्यकता है वो आइडेंटिफाई होगी और जितनी जल्दी उसको सेवाएं देने की कोशिश की जाएगी उतनी जल्दी और उतना ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट होने की संभावना होती है। और जितनी देर से हस्तक्षेप किया जाएगा उसमें इम्प्रूवमेंट के, सेल्फ डिपेंडेंस के संभावनाएं उतनी ही कम होती जाती हैं। अतः जितनी जल्दी कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, जितनी जल्दी वो आइडेंटिफाई हो जाए और जितनी जल्दी उसके लिए उपयुक्त सेवाएं उसको दी जाने लगें उतनी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं होती हैं और उतनी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि वो आने वाले दिनों में सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है। रिसर्च इंडिकेट्स दैट देयर आर मल्टीपल कॉजेज फॉर ऑटिज्म इंक्लूडिंग पार्टली जेनेटिक एंड पार्टली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें शुरुआत करने से पहले हम चर्चा कर लें कि आज तक ये एक मिस्ट्री है मेडिकल साइंस के लिए, एक रहस्य है मेडिकल साइंस के लिए कि ऑटिज्म क्यों होता है। कोई भी कारण किसी को ज्ञात नहीं है, वो जेनेटिक कारण है, वो वातावरणीय कारण है, किस प्रकार के कारण है और क्यों ये ऑटिज्म की बीमारी होती है बच्चों में, ये किसी को आज तक पता नहीं है। लोग अनुमान लगा रहे हैं। एक थ्योरी आई थी कि रेफ्रिजरेटर मदर्स, अर्थात जो मदर्स अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होती हैं उनके बच्चों को ऑटिज्म हो सकता है, और इन्वायरमेंट को एट्रिब्यूट किया गया कि इन्वायरमेंटल कारण हो सकता है ऑटिज्म का। लेकिन बाद में ये थ्योरी गलत साबित हुई। कई ऐसे माँ बाप भी मिले जो अपने बच्चों से बहुत क्लोजली अटैच्ड थे, लेकिन बावजूद इसके उनके बच्चों में ऑटिज्म पाया गया। तब जब कोई कारण आइडेंटिफाई नहीं हो सका तो एक अनुमानित कारण के रूप में इसको माना गया कि ये आनुवंशिक कारण हो सकता है, जेनेटिक कारण हो सकता है ऑटिज्म का, पहला। और दूसरा कि ये देखा गया है कि फैमिली में अगर ऑटिज्म की हिस्ट्री हो तो आने वाले दिनों में बच्चों में ऑटिज्म हो सकता है, आने वाली पीढ़ियों में ऑटिज्म हो सकता है। ऑटिज्म कैन रन इन फैमिलीज। अब आते हैं हम कि ऑटिज्म है क्या। तो सबसे पहले तो ये चर्चा करना चाहूंगा मैं कि ऑटिज्म जो है एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये ऑटिज्म है, ये ऑटिज्म है, ये ऑटिज्म है। ऑटिज्म एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है और इसकी परिभाषा और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में बड़े फ्रीक्वेंट चेंज होते रहे हैं। कुछ दिन पहले तक जब DSM-IV-R था, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल 4, तो इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अलग थी। उसमें एक कैटेगरी थी परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, व्यापक विकासात्मक विकृति, जिसमें कि 5 डेवलपमेंटल डिसऑर्डर शामिल थे। उसमें एक पार्ट था ऑटिज्म, रेट सिंड्रोम, एस्पर्गस सिंड्रोम, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर और PDD परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये 5 श्रेणियां थी। बाद में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा DSM-5 2013 के आसपास रिवाइज किया गया और नया वर्जन उसका DSM-5 है, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। और उसमें इन सारे डिसऑर्डर्स को मिला करके, जो 5 परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स थे उनको मिला करके और एक कैटेगरी बना दी गई, वो है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम इसलिए कि इस सिम्टम को
के ऑटिज्म के सिम्टम जो हैं वो माइल्ड सिम्टम से लेकर के सीवियर सिम्टम तक वेरी करते हैं, उसमें परिवर्तन है, इसलिए इसे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का नाम दिया गया DSM-5 में। उस पे जाने से पहले परिभाषा पे हम आएंगे, परिभाषा पे लंबी चर्चा करने की जरूरत है ताकि किसी भी बच्चे का मिसलेबलिंग ना करें हम लोग, या कोई भी टीचर टीचर एजुकेटर उस बच्चे को मिसलेबल ना करे। तो सबसे पहले आते हैं कि 1943 से पहले तक ऑटिज्म नाम की कोई बीमारी जो है वो प्रकाश में नहीं थी, ऑटिज्म नाम की कोई अक्षमता जो है वो नोन नहीं थी। पहला जो ऑटिज्म का वर्णन मिलता है वो डॉक्टर लियो कैनर ने एक रिसर्च पेपर लिखा, उसमें उन्होंने 11 बच्चों की केस स्टडी की और उसके आधार पर वो रिसर्च पेपर लिखा था। उस पेपर का नाम था ऑटिस्टिक डिस्टरबेंसेज ऑफ अफेक्टिव कॉन्टैक्ट। उसमें उन्होंने वर्णन किया कि ये बच्चे जो है ऑटिज्म के हैं, और जो पहला आदमी था जिसको कि ऑटिज्म है इसका वर्णन लियो कैनर ने किया वो डोनाल्ड ट्रिपलेट वाज द फर्स्ट पर्सन विथ ऑटिज्म डिस्क्राइब्ड बाय लियो कैनर, एंड लियो कैनर इज नोन एज फादर ऑफ ऑटिज्म। ऑटिज्म के जनक के रूप में लियो कैनर जी को माना जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, और लियो कैनर से भी पहले ऑटिस्टिक वर्ड जो सबसे पहले यूज किया गया था वो यूजन ब्लूलर ने किया था 1912 में। हालांकि उन्होंने ऑटिज्म नाम की कोई सेपरेट इंडिपेंडेंट बीमारी या कोई अक्षमता नहीं बताई थी, कोई डिसऑर्डर मेंटल डिसऑर्डर नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने सिजोफ्रेनिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बात की थी कि उनमें ऑटिस्टिक सिम्टम पाए जाते हैं। ऑटिस्टिक का मतलब अपने आप में खोए रहना, अपनी दुनिया में खोए रहना, तो इसको उन्होंने माना था कि ये सिजोफ्रेनिया का एक सिम्टम है। अकॉर्डिंग टू ब्लूलर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑटिस्टिक थिंकिंग वॉज कैरेक्टराइज बाई इन्फेंटाइल विशेज टू अवॉइड अनसेटिस्फाइंग रियलिटीज एंड रिप्लेस देम विथ फैंटेसीज एंड हॉल्यूसिनेशन। ऑटिज्म डिफाइंड द सब्जेक्ट सिंबॉलिक इनर लाइफ। ये व्यक्ति के जो प्रभावित व्यक्ति था सिजोफ्रेनिया का, उसकी सिंबॉलिक इनर लाइफ को परिभाषित करता था एंड वाज नॉट रियली एक्सेसिबल टू ऑब्जर्वर्स, जिसको कि ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार जो अभी तक हमने देखा कि 1912 में सबसे पहले ऑटिस्टिक शब्द का यूज सिजोफ्रेनिया के कॉन्टेक्स्ट में यूजन ब्लूलर ने किया था, लेकिन 1943 में सबसे पहले ऑटिज्म का वर्णन जो है लियो कैनर ने किया और ऑटिज्म को एक स्वतंत्र डिसऑर्डर के रूप में बताया कि ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अब आते हैं, इतनी सारी चर्चा हो गई, अब आते हैं इस पर कि ऑटिज्म है क्या वास्तव में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। पहले इससे पहले मैं बात कर रहा था, बार बार बात किया कि ऑटिज्म जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अब डेवलपमेंटल से भी स्पेसिफाई थोड़ा सा और करते हैं इसको कि न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, मतलब ऐसा कंडीशन है जिसमें डेवलपमेंट के साथ साथ न्यूरो से संबंधित समस्याएं, न्यूरो से संबंधित कॉजेज जुड़े हुए हैं। कैरेक्टराइज्ड बाई डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग, डिफिकल्टी विथ सोशल इंटरेक्शन, रिपीटेटिव बिहेवियर एंड रेस्ट्रिक्टिव इंटरेस्ट। एक लेमेन के लैंग्वेज में, एक सामान्य भाषा में, ऑटिज्म जो है वो ऐसा विकासात्मक विकार है जो व्यक्ति के न्यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। और इसकी विशेषता क्या क्या है, कोर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इसमें। पहला, कम्युनिकेशन में कठिनाई, संप्रेषण में कठिनाई, और दूसरा डिफिकल्टी विथ सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रियाओं में कठिनाई, रिपीटिटिव बिहेवियर एक ही व्यवहार को बार 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 करना, और रेस्ट्रिक्टिव इंटरेस्ट लिमिटेड इंटरेस्ट बहुत सीमित रुचि। ये चार मुख्य विशेषताएं ऑटिज्म की हैं। इन चार में से भी दो जो है कोर कैरेक्टरिस्टिक्स मान लें आप, कि सबसे पहला पुअर सोशल इंटरेक्शन और पुअर कम्युनिकेशन। इसके बाद आए, बहुत चर्चा हुई कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्यों कहते हैं, उस पर मैंने चर्चा भी की कि
ऑटिज्म डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्यों है? ऑटिज्म डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी इसलिए है कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज आर ग्रुप ऑफ कंडीशंस ड्यू टू एन इम्पेयरमेंट इन फिजिकल लर्निंग लैंग्वेज और बिहेवियरल एरियाज। दिस कंडीशंस बिगिन ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, मे इम्पैक्ट डे टू डे फंक्शनिंग एंड यूजुअली लास्ट थ्रू आउट अ पर्सन्स लाइफ टाइम। ध्यान रखें कि विकासात्मक विकार जो है वो व्यक्ति में उसके जीवन पर्यंत चलती है, विकासात्मक अवधि के दौरान आरंभ होती है और उसमें जीवन पर्यंत चलती है, और इसीलिए इसको अक्षमता माना गया है कि इट कैन नॉट बी ट्रीटेड थ्रू मेडिकेशंस और थेरेपीज, रेदर वी कैन इम्प्रूव देयर लाइफ फंक्शनिंग विथ प्रॉपर ट्रेनिंग। इसके बाद आते हैं कि ऑटिज्म को डायग्नोस करने के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, ऑटिज्म जो है वो कैसे तय किया जाता है कि व्यक्ति को ऑटिज्म है। तो इसे पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल जो कि इंटरनेशनली अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा पब्लिश होता है, और ये जो मानसिक विकार हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं, इनके वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार है, उसी वर्गीकरण को पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है, या तो DSM को फॉलो किया जाता है या इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जो WHO का है उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन खास करके मेंटल डिसऑर्डर के केस में DSM की लोकप्रियता ज्यादा है। तो जब DSM-4R आया था तो उसमें जो जो सिम्टम बताए गए थे ऑटिज्म के, वो इसलिए चर्चा कर लें कि उसके बाद तुलना करेंगे उसकी कि अब DSM-5 आया है तो उसमें परिवर्तन क्या किए गए हैं, और आज की तारीख में DSM-5 ही प्रभावी है और DSM-5 ही हर जगह डायग्नोसिस के लिए प्रयोग किया जा रहा है। DSM-4R में ऑटिज्म का पहला फीचर जो बताया गया था वो है क्वालिटेटिव इंपेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रियाओं में क्वालिटेटिव कमी, क्वालिटेटिव क्षति। उसमें मार्क्ड इंपेयरमेंट इन द यूज ऑफ मल्टीपल नॉन वर्बल बिहेवियर्स, जो नॉन वर्बल बिहेवियर हम यूज करते हैं जैसे मुस्कुराना, सोशल स्माइल, ये किसी को ग्रीट करना बिना शब्दों को यूज किए हुए, किसी को बुलाना, किसी को इशारे करना, इस प्रकार के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में उनको समस्या होती है। दूसरा, फेलियर टू डेवलप पीयर रिलेशनशिप अप्रोप्रिएट टू डेवलपमेंटल लेवल। हम सब लोग देखते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो है वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ रहना चाहता है, हम उन बच्चों के साथ सीखना चाहता है, उनके साथ खेलना चाहता है। तो ऐसे में इनमें जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनमें अपने हम उम्र बच्चों के साथ उपयुक्त संबंध बनाने की कमी पाई जाती है, वो अक्सर आपको एलोफ दिखेंगे, अकेले दिखेंगे, अकेले बैठे, अकेले खेलते हुए, अकेले घूमते हुए, और सामान्यतः अकेले रहना ही पसंद करते हैं। इसके अलावा ए लैक ऑफ स्पॉन्टेनियस सीकिंग टू शेयर इंजॉयमेंट, इंटरेस्ट और अचीवमेंट्स विथ अदर पीपल, दूसरे लोगों से जैसे हम बातें करते हैं, अपनी चीजें शेयर करते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, मेरी क्या रुचि है, मैंने क्या प्राप्त किया, जैसे मैं इस लाइव वीडियो के बाद अपने साथियों को बताऊंगा कि आज मैंने टीचर एजुकेटर्स ग्रुप में लाइव वीडियो शेयर किया, इस प्रकार की रुचियां शेयर करने में, एंजॉयमेंट शेयर करने में, अपने अचीवमेंट शेयर करने में वो रिलेक्टेंट होते हैं और नहीं शेयर करते हैं। इसका एक कारण तो ये है कि वो कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट उसमें पाया जाता है, इसलिए सोशल इंटरेक्शन उनका पुअर होता है, और दूसरा ये है कि दोनों जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, चूंकि सोशल इंटरेक्शन उनका पुअर होता है इसलिए उनका कम्युनिकेशन प्रभावित होता है, चूंकि यूजुअली हम सब जानते हैं कि जिस बच्चे का सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है उसके कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा इंप्रूव होती है, और इसका वाइस वर्सा भी सही है कि जब बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो उसका सोशल इंटरेक्शन भी सामान्यतः अच्छा होगा। इसके अलावा लैक ऑफ सोशल और इमोशनल रेसिप्रोसिटी, सोशल और इमोशनल रेसिप्रोसिटी, जैसे अगर कोई हमें नमस्ते करता है तो हम नमस्ते का उत्तर देते हैं, सेम वे में, या कोई हमें कोई बात कहता है, कोई इमोशंस एक्सप्रेस करता है, बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि आई लव यू का जवाब लोग आई लव यू टू देते हैं, तो इस जो आई लव यू टू है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल रेसिप्रोसिटी, और इस प्रकार के इमोशनल रेसिप्रोसिटी का
अभाव देखा जाता है ऑटिज्म के बच्चे में, कि अगर आप उनके प्रति कोई पॉजिटिव इमोशंस व्यक्त करते हैं देन ऑल्सो दे वॉन्ट समटाइम्स रिस्पॉन्ड, दे वॉन्ट गिव यू एनी रिएक्शन एनी रिस्पॉन्स। इसके अलावा जो DSM-4 में था वो दूसरा क्वालिटेटिव इम्पेयरमेंट इन कम्युनिकेशन, इसे पहले भी बात कर चुके हैं कि ऑटिज्म के बच्चों में संप्रेषण और सामाजिक कौशल इन दोनों में मार्क्ड कमी पाई जाती है। तो जो ये क्वालिटेटिव इम्पेयरमेंट कम्युनिकेशन में होते हैं वो दिखाई कहाँ पड़ते हैं, डिले इन डेवलपमेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, उनका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो है वो बहुत देर से डेवलप हो पाता है, मार्क्ड इम्पेयरमेंट इन एबिलिटी टू इनिशिएट और सस्टेन अ कन्वर्सेशन विथ अदर्स, एक कन्वर्सेशन का आरंभ करना और उसको जारी रखना दूसरों के साथ, इसमें कमी पाई जाती है, इसमें क्षति पाई जाती है, और प्रायः वो एक कम्युनिकेशन आरंभ करने में भी कठिनाई महसूस करते हैं, और अगर कम्युनिकेशन आरंभ कर भी दिया गया तो वो कठिनाई महसूस करते हैं उसको लगातार जारी रखने में। स्टीरियोटाइप्ड एंड रिपीटेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, सॉरी, प्रायः जो उनमें भाषा देखी जाती है, प्रायः जो उनकी भाषा देखी जाती है वो रिपीटेटिव होती है, एक ही शब्द मम्मा मम्मा पापा पापा, जो शब्द जानते हैं जो भी वाक्य जानते हैं वो उसी वाक्यांश को बार 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 वो दोहराते हुए आपको मिलेंगे, आपको दिखेंगे। कई बार इडियोसिंक्रेटिक लैंग्वेज यूज करते हैं, इडियोसिंक्रेटिक लैंग्वेज का मतलब होता है कि कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो उनके साथ लंबे समय तक रहने वाला व्यक्ति तो समझ लेता है लेकिन एक अननोन आदमी के लिए कोई मतलब नहीं है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला क्या करना चाह रहा है। इसके अलावा लैक ऑफ वेरिड स्पॉन्टेनियस मेक बिलीव प्ले और सोशल इमिटेटिव प्ले, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि बच्चे सोशल इमिटेटिव प्ले में भाग लेते हैं, मेक बिलीव प्ले में भाग लेते हैं, रोल प्ले करते हैं, तो ऑटिज्म के बच्चे जो है इन चीजों में भी आपको पुअर पाए जाएंगे, आपको कमी दिखेगी कि बच्चा ये काम भी नहीं कर पा रहा है, मेक बिलीव प्ले खेलने से भी दूर है, सोशल इमिटेटिव प्ले खेलने से और सामान्यतः तो अपने हम उम्र बच्चे से दूर है। इसके बाद जो आता है रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव एंड स्टीरियोटाइप पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, कई बार आप देखेंगे कि बच्चा एक ही एक्टिविटी रिपीटेड बार 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 करता जा रहा है करता जा रहा है, न केवल व्यवहार इंटरेस्ट और उसकी एक्टिविटीज भी रिपीटेड होती है, और अगर आप उसको उस रिपीटेड स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर से रोकते हैं देन ही मे बी एग्रेसिव, वो आक्रामक हो सकता है, क्योंकि ऑटिज्म के बच्चे की एक खासियत ये है कि वो अपना जिस अरेंजमेंट में है जिस एक्टिविटी में वो लीन है उससे अगर आप उसको चेंज करने का प्रयास सडनली करते हैं ही माइट बी एग्रेसिव, ही माइट शो एबनॉर्मल सिम्टम्स। ये रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स जो दिखाई पड़ते हैं वो कैसे पड़ते हैं, इनकम्पेसिंग प्री ऑक्यूपेशन विथ वन और मोर स्टीरियोटाइप्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट दैट इज एबनॉर्मल आइदर इन इंटेंसिटी और इन फोकस। इसके अलावा अपेरेंटली इनफ्लेक्सिबल एडहेरेंस टू स्पेसिफिक नॉन फंक्शनल रूटीन्स और रिचुअल्स, कई ऐसे कार्यों में आपको वो बंधे हुए मिलेंगे, एक्टिविटीज में बंधे हुए मिलेंगे, उनका रूटीन नॉन फंक्शनल मिलेगा और यूजुअली रिपीटेटिव टाइप पैटर्न आप उनका बिहेवियर का इंटरेस्ट का और उनकी क्रियाओं का देखेंगे। हालांकि ये रिपीटेटिव टाइप बिहेवियर एक्टिविटी और इंटरेस्ट छोटे बच्चों में भी पाया जाता है लेकिन वो उम्र के साथ समाप्त होता जाता है, अगर ये अपने उम्र के लायक ना हो, जिस एज का बच्चा है उस एज के अप्रोप्रिएट व्यवहार ना हो तब उसको ऑटिज्म की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब आते हैं, ये तो DSM-4 का क्राइटेरिया था कि ऑटिज्म किसको कहते हैं, उसके बाद इसका नाम चेंज करके ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कर दिया गया और इसके क्राइटेरिया में फिर से परिवर्तन किए गए, और जो अद्यतन क्राइटेरिया चल रहा है
ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नैदानिक मानदंडों का, उसके बारे में हम बात कर लें कि सबसे पहला तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कि परसिस्टेंट डेफिसिट, कंटिन्यूअस सतत लगातार कमी किस में, सोशल कम्युनिकेशन में और सोशल इंटरेक्शन में अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ ये लिखने का तात्पर्य ये है कि किसी एक पार्टिकुलर सेटिंग में बच्चे को कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट हो या सोशल इंटरेक्शन में बच्चे को कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट हो, उसको आप नहीं कह सकते कि ऑटिज्म है, बल्कि आपको कई कॉन्टेक्स्ट में, कई संदर्भों में उसका असेसमेंट करना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मुझे एक फोबिया है मास में बोलने का, और मैं जा आया हूँ आपके सामने फेसबुक लाइव में और मैं बोल नहीं पाता हूँ। एक पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मैं मुझे ऑब्जर्व करके आप तो कल को ये कहते हैं कि सामने वाला जो है अखिलेश जी तो साहब ऑटिस्टिक टाइप बिहेवियर कर रहे थे, तो ये सही नहीं है। बल्कि जब भी आप ऑटिज्म को डायग्नोस करें तब आप मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में देखें और मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में उसका इवेल्युएशन करें, उसका असेसमेंट करें। एज मैनिफेस्टेड बाय फॉलोइंग करेंटली और बाय हिस्ट्री। हाँ, ये मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट की जानकारी आप कैसे ले सकते हैं, उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करके ले सकते हैं या उसके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं जो उसके बारे में बता सकते हैं, उसके जो हिस्ट्री है उसके आधार पर आप ले सकते हैं। ये जो सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शंस हैं, इनका आगे विस्तार बताया गया है कि डेफिसिट इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके कि जब भी कोई सोशल सिचुएशन होती है, इमोशनल सिचुएशन होता है, कोई एक्सप्रेस करता है अपने इमोशंस और हम जो उसका जवाब देते हैं, दैट इज सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी, रेंजिंग फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम एबनॉर्मल सोशल अप्रोच एंड फेलुअर ऑफ नॉर्मल बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशंस। इसका रेंज जो है, जो सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी में डेफिसिट्स है, इसका रेंज बड़ा हो सकता है, वो पर्सनल लेवल से लेकर के एक बड़े मास लेवल तक हो सकता है, एबनॉर्मल सोशल अप्रोच हो सकता है उसका, और किसी के साथ बात करते हुए, उसकी बात का जवाब देते हुए, उससे बात इनिशिएट करते हुए, इस प्रकार के कन्वर्सेशन में हो सकता है। टू रिड्यूस शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट, उसका जो इंटरेस्ट शेयरिंग है उसमें हो सकता है, इमोशंस और अफेक्ट उसके इमोशंस शेयरिंग में दिखाई हो पड़ सकता है कि उसमें सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी है। टू फेलुअर टू इनिशिएट और रेस्पॉन्ड टू सोशल इंटरेक्शन, या फिर ये सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी की जो डेफिसिट है वो इसमें भी दिखाई पड़ सकती है कि वो सफल नहीं हो पा रहा है कोई अंतःक्रिया शुरू करने में या उसको चालू रखने में। दूसरा, डेफिसिट्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर्स यूज्ड फॉर सोशल इंटरेक्शन। कई बार हम बहुत सारे नॉन वर्बल अशाब्दिक संप्रेषण माध्यमों का प्रयोग करते हैं बहुत सारे सामाजिक क्रियाकलापों में, जैसे किसी को बुलाने के लिए हाथ के इशारे से कहते हैं आओ, कई बार किसी को इशारा करते हैं आंखों से कि आप ये काम कर लो, तो इस प्रकार के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में उनमें डेफिसिट दिखाई पड़ती है, रेंजिंग फ्रॉम पुअरली इंटीग्रेटेड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कई बार आप उनमें आप देखेंगे कि जब शब्दों के साथ हम गेस्चर यूज करते हैं, नॉन वर्बल चीजें जब यूज करते हैं, उनमें तालमेल आपको नहीं दिखाई देगा। टू एबनॉर्मलिटीज इन आई कॉन्टेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज, उनके आई कांटेक्ट में आपको कमी दिखाई देगी। आई कांटेक्ट के संदर्भ में एक चीज बताते चलें कि यूजुअली अधिकांश केसेज में ये देखा गया है कि वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते, जिसके लिए स्पेसिफिक शब्द है गेज, GHZE। सो यूजुअली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट पीपल हैविंग ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स दे रेयरली मेंटेन द गेज। जब भी आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको आंखों में आंखें डालकर बात करने की बजाय उनका ध्यान कहीं और रहेगा, दे कुड नॉट मेंटेन गेज। गेस्चर के उपयोग में उनको दिक्कत होती है। टू अ टोटल लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, कई बार आपको उनका चेहरा बिल्कुल भावहीन नजर आएगा, कुछ भी उस चेहरे से आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे, वो खुश हैं, वो दुखी हैं, उनको कुछ प्राप्त हुआ है, बिल्कुल एक फ्लैट भावहीन फेस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तीसरा, डेफिसिट इन डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, उनको चूंकि सामाजिक
संबंधों को स्थापित करने में समस्या होती है, संप्रेषण की समस्या होती है, इन दोनों समस्याओं की वजह से उनको व्यक्तिगत संबंध बनाने में, उनको जारी रखने में और उनको समझने में, इन तीनों कामों में भी समस्या होती है। रेंजिंग फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम डिफिकल्टीज एडजस्टिंग बिहेवियर टू सूट वेरियस सोशल कॉन्टेक्स्ट, एक पार्टिकुलर सामाजिक वातावरण में कैसे एडजस्ट करना है, इसमें उनको समस्या होती है। टू डिफिकल्टीज इन शेयरिंग इमेजिनेटिव प्ले और इन मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्तों को बनाने में समस्या होती है। एक इमेजिनेटिव प्ले खेलने में समस्या होती है, जैसे कई बार बच्चे आपस में जब खेलते हैं तो कोई बच्चे माँ बाप के रोल में होते हैं और दो चार बच्चे बच्चों के रोल में होते हैं, या पुलिस चोर के रोल में होते हैं, इस प्रकार के जो रोल प्ले करते हैं बच्चे, उसमें भी उनको समस्या होती है। टू एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट इन पीयर्स, और सबसे बड़ी बात है कि इन वजहों से उनका जो इंटरेस्ट होता है, उनकी जो रुचि होती है अपने हम बच्चों में, उनके साथ खेलने में, उनके साथ रहने में, उसमें उनकी रुचि लगभग नहीं पाई जाती है या कम पाई जाती है। ये निर्भर करता है कि ऑटिज्म की गंभीरता की डिग्री कितनी है। DSM-5 की क्राइटेरिया ए था ये। अब बी की बात करें, रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इंटरेस्ट और एक्टिविटीज, बार 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 एक ही काम को करना, एक ही चीज, अनयूजुअल चीजें इकट्ठी करना। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे कई अनयूजुअल चीजों को, असामान्य चीजों को इकट्ठी करके रखते हैं, जैसे चूड़ियों के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, लेकिन एक पार्टिकुलर एज के बाद ये चीजें खत्म होने लगती हैं और बच्चे को ये रियलाइज होने लगता है कि एक ही प्रकार की चीजों को इकट्ठी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे में एक पार्टिकुलर एज के बाद भी अगर ये चीजें जारी आपको दिखें, अगर किसी बच्चे में, तो ऑटिज्म के सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन बाकी और सिम्टम भी मिलते होने चाहिए। सिर्फ इस एक क्राइटेरिया के आधार पे ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चे में ऑटिज्म है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इसके अलावा इसमें स्पेसिफाई किया है कि रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टीरियोटाइप्ड और रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट्स, एक ही पैटर्न में हाथ हिलाते रहना, एक ही पैटर्न में पांव हिलाते रहना, एक ही पैटर्न में गर्दन हिलाते रहना, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक ही पैटर्न में कुछ ऑब्जेक्ट्स को यूज करते रहना, या एक ही प्रकार की भाषा बार बार बोलते रहना, बार बार बोलते रहना, सिंपल मोटर स्टीरियोटाइप्स, लाइनिंग ऑफ टॉयज, एक लाइन में एक ही पार्टिकुलर पैटर्न में सारे खिलौनों को अरेंज कर लेना, और उसमें अगर परिवर्तन किया जाए तो उसको अनयूजुअली लेना, उसको असामान्य रूप से लेना, उसके प्रति असामान्य व्यवहार दर्शाना, फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट्स, इकोलेलिया और इडियोसिंक्रेटिक फ्रेजेज। तो इकोलेलिया के बारे में आपको बताते चलें कि इकोलेलिया का मतलब होता है कि जब भी कोई बात बच्चे को कही गई, बच्चा उसको दोहराता है और इसी प्रकार वो भाषा सीखता है। जैसे बच्चे को आपने ये कहा कि तुम मत करो, तो तुरंत उसको दोहराएगा तुम मत करो, और ऐसे ही बच्चे धीरे धीरे भाषा सीखते हैं। ये इकोलेलिया दो प्रकार की यूजुअली देखी जाती है बच्चों में, एक इमीडिएट इकोलेलिया और एक डिलेड इकोलेलिया। इमीडिएट इकोलेलिया का मतलब है जो बात आपने अभी तुरंत कही, बच्चा तुरंत उसको दोहरा रहा है। कई बार ये भी देखते हैं आप कि आपने जो बात कही है आज, उसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक पार्टिकुलर समय लेने के बाद बच्चा उसको दोहराता है, दैट इज डिलेड इकोलेलिया। ये इकोलेलिया जो है सभी छोटे बच्चों में पाया जाता है, और वस्तुतः इकोलेली के स्पीच के थ्रू बच्चे भाषा पर धीरे धीरे अधिकार करते हैं, भाषा को आत्मसात कर पाते हैं। तो ऐसे में ये जो इकोलेलिया है वो अगर आयु के साथ, जिस आयु का बच्चा है और जिस आयु में उसमें ये इकोलेलिया पाई जानी चाहिए, उसके बाद भी अगर ये जारी रहता है तो ये सिम्टम उसका हो सकता है ऑटिज्म का। लेकिन फिर से मैं बात करूं कि कोई एक सिम्टम ऑटिज्म का नहीं हो सकता, ये सारे जब मिलेंगे सिम्टम, सारे पैटर्न मिलेंगे और एक व्यापक मूल्यांकन करेंगे, वो भी हम और आप नहीं, जो इसमें ट्रेंड प्रोफेशनल हैं, जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, और वो डायग्नोस करेंगे, तभी माना जाए कि ये ऑटिज्म है। अदरवाइज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें सिम्टम्स मिलते जुलते होते हैं, लेकिन वास्तव में वो पार्टिकुलर अक्षमता बच्चे में नहीं होती है जो हम प्रेडिक्ट करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर का है, इंसिस्टेंस ऑन सेमनेस। सेमनेस का मतलब एक ही चीज पे हमेशा जोर देना कि ऐसा ही होगा।
अगर आपने उसने कोई खिलौने का पैटर्न बनाया है उसको आप चेंज करते हैं तो वो फिर उसी पैटर्न पर उसको ले जाएगा। अगर आप उसको ले जाने नहीं देंगे तो आपका हर संभव विरोध करेगा। इनफ्लेक्सिबल एडहेरेंस टू रूटीन्स, वो जो अपने डेली रूटीन उसके हैं उसमें बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल है, उतने बजे उसको ये करना है तो करना ही है, इतने बजे ये करना है तो करना ही है। उसके रूटीन में अगर है कि उसको सुबह सुबह 4 बजे उठ के नहा ही लेना है तो नहा ही लेना है, उसको कर ही लेना है, उसको 4 बजे उठ जाना है तो उठ ही जाना है। मतलब उस रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी पाई जाती है, और वो कमी इसलिए पाई जाती है कि वो सोशल सिचुएशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। और रिचुअलाइज पैटर्न ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, एग्जाम्पल के लिए एक्सट्रीम डिस्ट्रेस एट स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे चेंजों में बहुत परेशान हो जाना, डिफिकल्टीज विथ ट्रांजिशंस, परिवर्तन का जो फेज होता है, ट्रांजिशन का जो फेज होता है उसमें कठिनाई, एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न पे नहीं जाना, एक वातावरण से दूसरे वातावरण पे जाने में कठिनाई, रिजिड थिंकिंग पैटर्न, चूंकि उनका बिहेवियरल पैटर्न ऐसा होता है तो उनका थिंकिंग पैटर्न भी ऐसा ही रिजिड होता है। ग्रीटिंग रिचुअल्स, उनका ग्रीटिंग रिचुअल्स भी अपने आप में रिजिड होता है, जो भी ग्रीट करने हैं, हम और आप जानते हैं कि अलग अलग तरीकों पे, अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग ग्रीटिंग्स हम यूज करते हैं, लेकिन उनके साथ ये समस्या है कि उसमें भी उनमें रिजिडिटी पाई जाती है। नीड टू टेक सम रूट और ईट सम फूड एवरी डे, फूडिंग हैबिट भी जो उनकी है उस पर भी वो बहुत रिजिड होते हैं कि पार्टिकुलर चीज उनको चाहिए तो चाहिए, वो पर डे वही चाहिए, आप उनको बहुत आसानी से उस पर चेंज नहीं कर सकते, उनकी दृढ़ता को आप इतनी आसानी से हटा नहीं सकते हैं, अगर हटाएंगे तो वो एग्रेसिव हो सकते हैं, वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर सकते हैं। DSM-5 की जो क्राइटेरिया है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, वो तीसरी हाईली रेस्ट्रिक्टेड फिक्सेटेड इंटरेस्ट रिपिटेटिव टाइप बिहेवियर की जब बात कर रहे हैं हम, तो हाईली रेस्ट्रिक्टेड फिक्सेटेड इंटरेस्ट दैट आर एबनॉर्मल इन इंटेंसिटी, जो इनके फिक्सेटेड और रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, लिमिटेड सीमित जो रुचियां हैं वो कई बार असामान्य होती हैं, और कई बार उनका जो फोकस होता है वो असामान्य होता है, अबनॉर्मल इन इंटेंसिटी और फोकस, कई बार उसकी डिग्री बहुत ज्यादा होती है, जिस चीज में रिएक्ट कम करना चाहिए एबनॉर्मल रिएक्शन उसमें एबनॉर्मल रिएक्शन ज्यादा देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और प्री ऑक्यूपेशन विथ अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स, असामान्य चीजों के साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव होना, एक्सेसिवली सर्कमस्क्राइब्ड और प्रिजर्वेटिव इंटरेस्ट, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही नैरो उनकी रुचि और बहुत ही विशिष्ट, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं। हाइपर और हाइपो एक्टिविटी टू सेंसरी इनपुट्स और अनयूजुअल इंटरेस्ट इन सेंसरी एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, कई बार ये भी देखा जाता है कि ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं वो या तो वातावरण के कुछ उद्दीपकों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं या फिर अति अत्यल्प संवेदनशील होते हैं। कई बच्चे तो ऐसे आपको मिलेंगे जिनको कोई पेन का कोई अनुभव ही नहीं होता है, कई बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनको जरा सा भी पेन, जरा सी भी तकलीफ जो है वो टॉलरेट नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए एपरेंट इनडिफरेंस टू पेन, टेम्परेचर, एडवर्स रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक साउंड्स और टेक्सचर्स, एक्सेसिव स्मेलिंग और टचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कई बार कई ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिनको कि कोई स्मेल पता ही नहीं लगती, कुछ ऐसे हैं जिनका कि स्मेलिंग पावर इतना ज्यादा होता है कि वो हल्का फुल्का स्मेल भी बहुत जल्दी वो ग्रहण कर लेते हैं और उसके प्रति रिएक्ट करने लगते हैं। विजुअल फैसिनेशन विथ लाइट्स और मूवमेंट, ये सारे जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस हैं इनके प्रति कई बार देखा गया है कि उनमें हाइपो एक्टिविटी या हाइपर एक्टिविटी भी देखी जाती है। अब इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड का मतलब 3 साल से पहले पहले, या 3 साल को और स्पेसिफाई करें तो 30 महीने से पहले पहले ये सिम्टम्स जो है बच्चे में दिखने चाहिए, बट मे नॉट बिकम फुली मैनिफेस्ट अंटिल सोशल डिमांड्स एक्सीड लिमिट कैपेसिटीज। इसमें ध्यान रखने की ये जरूरत है कि हो सकता है कि बच्चा, चूंकि इंडिविजुअल डिफरेंस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो सोशल डिमांड जब सीमा से एक्सीड होता है तब अगर ऐसे बिहेवियर आते हो तो ऑटिज्म के लक्षण नहीं है, लेकिन जो सामान्य जनजीवन से जुड़ा हुआ है, सामान्य जनजीवन से जुड़े हुए इस प्रकार के सिम्टम हैं और वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में 30 महीने के पहले, 2.5 साल के पहले, मैक्सिमम 3 साल के पहले दिखाई देने लगते हैं बच्चे में, देन इट मे बी ए सिम्टम ऑफ ऑटिज्म। सिम्टम्स कॉजेज
क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट इन सोशल ऑक्यूपेशनल और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ करेंट फंक्शनिंग। ये जो लक्षण हैं वो अन्य क्षेत्रों को भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से बहुत गंभीरता से प्रभावित करते हैं, और दीज डिटर्बेंसेज आर नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। इसमें एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि ऑटिज्म की डायग्नोसिस तभी हो सकती है जब ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि बच्चे में ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले नहीं है या बच्चे में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है। सिर्फ इस प्रकार के सिम्टम के आधार पर आप ये नहीं कह सकते, आप ये डायग्नोस नहीं कर सकते या कोई भी डायग्नोस नहीं कर सकता कि बच्चे में ऑटिज्म है, बल्कि ये आपको तय करना होगा कि उस बच्चे में बाकी अदर डिसऑर्डर्स, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले नहीं है। उसके बावजूद ये सारे लक्षण जो ऊपर हमने चर्चा की DSM-5 के क्राइटेरिया के अनुसार, पहला कि मार्क्ड इंपेयरमेंट इन कम्युनिकेशन, मार्क्ड इंपेयरमेंट इन सोशल रिलेशंस और रिपीटेड स्टीरियोटाइप बिहेवियर यूजुअली मैनिफेस्टेड बिफोर द एज ऑफ 3 ईयर्स, एंड इफ द चाइल्ड डज नॉट हैव इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी और एनी ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, देन ओनली वी कैन डायग्नोज दैट द चाइल्ड माइट हैव ऑटिज्म, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। दैट ऑल्सो नीडेड दैट असेसमेंट टू बी मेड इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट, नॉट इन ए सिंगल कॉन्टेक्स्ट। कई कॉन्टेक्स्ट में असेसमेंट करने के बाद, ये सुनिश्चित करने के बाद कि बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, बच्चे में डेवलपमेंटल डिले नहीं है, फिर भी अगर ये DSM-5 के बताए क्राइटेरिया के अनुसार लक्षण मिलते हैं, देन ओनली द चाइल्ड कुड बी डायग्नोस्ड एज हैविंग ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतनी चर्चा के बाद ऑटिज्म की जो परिभाषा है वो हम सबको अस्पष्ट हो गई होगी। अब इससे आगे और बढ़ते हैं, चर्चा इस पर भी मैं कर चुका हूँ कि इसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्यों कहते हैं। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं कि इसकी सीवियरिटी का एक कंटिन्यूम है, सीवियरली अफेक्टेड, लेस अफेक्टेड। लेस अफेक्टेड व्यक्ति में सिम्टम हल्के फुल्के दिखेंगे, सीवियरली अफेक्टेड व्यक्ति में सिम्टम ज्यादा दिखेंगे। लेस अफेक्टेड व्यक्ति को कम सपोर्ट की आवश्यकता होगी, सीवियरली अफेक्टेड व्यक्ति को ज्यादा इंटेंसिटी की सपोर्ट की आवश्यकता होगी। इसलिए इसका नाम रखा गया है बहुत सोच समझ करके, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एनी डिसऑर्डर द सिम्टम्स ऑफ विच फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, दैट इज नोन एज ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब आते हैं साइंस एंड सिम्टम पे। सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन बहुत सामान्य भाषा में कुछ आम जनजीवन में जो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बच्चे को ऑटिज्म हो की संभावना हो सकती है और उसको फर्दर डायग्नोसिस और असेसमेंट के लिए भेज सकते हैं, उनमें से है कि नॉट मेंटेनिंग गेज और अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट, यूजुअली आंख मिलाकर के बात ना करना, लैक ऑफ सोशल स्माइल, कई बार हम लोग आपस में मिलते हैं, परिचित होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते एक दूसरे से, तो एक दूसरे को मुस्कुरा कर जवाब दे देते हैं, इसकी भी कमी पाई जाती है। नॉट स्माइलिंग बैक व्हेन समवन स्माइल्स एट देम, प्लेइंग अलोन इंस्टेड ऑफ विथ पियर्स, यूजुअली आपको दिखेंगे कि वो अकेले खेल रहे हैं, अपने साथियों के साथ नहीं है। स्टीरियोटाइप रिपीटेड फिजिकल एक्टिविटी, परफॉर्मिंग रिपीटेड बॉडी मूवमेंट्स, कई बार उंगलियां बार बार घुमा रहे हैं या पैर बार बार बैठे के बाद हिला रहे हैं, स्पिनिंग और आर्म फ्लैपिंग, इस प्रकार की एक्टिविटीज उनमें यूजुअली दिख जाती है। मेकिंग अनयूजुअल वोकलाइजेशन सच एज मोनिंग और गिगलिंग, कई बार ऐसे वोकलाइजेशंस मोनिंग और गिगलिंग टाइप आप सुनेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो करते रहेंगे रिपीटेड। फीलिंग एजिटेटेड, एंग्शियस, विड्रॉन और डिप्रेस्ड, ये सारे कोमॉर्बिड कंडीशन हो सकते हैं, एजिटेटेड फील करने वाले हो सकते हैं, एंग्जाइटी फील करने वाले हो सकते हैं, अपने आप को विड्रॉन रखने वाले हो सकते हैं और अवसादग्रस्त आपको दिख सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्लेइंग एग्रेसिवनेस और रेज, आक्रामकता शो कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों पे, जैसा इससे पहले चर्चा की गई कि ये स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता है। मान लीजिए कि खिलौने को उसने एक घर के शेप में अरेंज किया है तो आपको उसी शेप में ही उसको छोड़ देना है, अगर आप उसको चेंज करते हैं उस पैटर्न को, उस मॉडल को, दे में बी एग्रेसिव। कॉजिंग सेल्फ इंजरी और हार्म, कई बार उनमें सेल्फ इंजरियस बिहेवियर, अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार भी
पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। इसके उदाहरण में मैं बताना चाहूँगा कि NIEPID, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है संस्थान, वहाँ पे मैंने केस ऐसा देखा जो अगर उस बच्ची को 5 मिनट भी आप खाली छोड़ दें तो वो खुद अपना गला दबाना शुरू करती थी और उसकी आंखें लाल हो जाती थी, गला दबने से आवाज निकलनी बंद हो जाती थी, बट वो अपने गले पे अपने दोनों उंगलियों का प्रेशर लगातार बढ़ाती ही जाती थी, बढ़ाती ही जाती थी। उसके माँ बाप उसको लेकर के आए थे इस समस्या के निदान के लिए कि ये हमेशा अपना गला दबाती रहती है और जब तक हम नहीं रोकते तब तक दबाती ही रहती है, और इस वजह से उसका हाथ बांध करके रखा जाता था। 3-4 साल की बच्ची होगी। तो ऐसे सेल्फ इंजरियस बिहेवियर ये या और अन्य प्रकार के भी उन्हें देखे जा सकते हैं। हैविंग स्लीप प्रॉब्लम, कई बार आप देख सकते हैं कि उनका सोने का टाइम अनयूजुअल है या सोने का टाइम बहुत कम है। सोइंग एक्सट्रीम गिफ्टेडनेस और आइडेंटिफाइंग एज ए सेवेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है ऑटिज्म के बारे में कि यूजुअली आज तक जितने ऑब्जर्वेशन किए गए हैं उनमें ये देखा गया है कि ऑटिस्टिक बच्चे जो है कुछ पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स में एक्सट्रीमली गिफ्टेड हैं। जैसे कोई बच्चा है जिसको कि आप 10 अंकों का गुणा दे दें और वो कुछ देर में ही उस समस्या को हल करके आपको मौखिक रूप से बता दे, जो हम और आप कागज लेकर के भी आधे घंटे में नहीं कर सकते। ऐसे कई जो कहते हैं सिक्स सेंस, ऐसे कई ऑटिस्टिक बच्चे देखे गए हैं जिनमें कोई ना कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी देखी गई है और विज्ञान आज तक मौन है ये क्वालिटी क्यों पाई जाती है, विज्ञान आज तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, विज्ञान ने आज तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है, विज्ञान आज तक इस पर चुप है। वस्तुतः विज्ञान के लिए आज भी ऑटिज्म जो है एक रहस्य है। एक तरफ तो उसका सोशल इम्पेयरमेंट, कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट क्यों होता है, और उसके कॉन्ट्रास्ट में दूसरी तरफ एक्सट्रीम गिफ्टेडनेस। इसके आगे आते हैं अपेयरिंग सोशली अकवर्ड, जब उसमें सोशल कौशल जो है सामाजिक कौशल विकसित नहीं हुए होंगे तो निश्चित रूप से वो आपको सोशली पिछड़ा हुआ दिखेगा, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ दिखेगा, एंड नॉट पिकिंग अप ऑन सोशल क्यूज। कई बार सामाजिक इशारे जो हम देते हैं वो भी वो समझ नहीं पाता है। नॉट रेस्पॉन्डिंग टू देयर नेम, नाम से आप बुलाएंगे कोई मतलब नहीं, वो अपने आप में खोया मिलेगा। आप पुकारते रहें, आपको कई बार ऐसा फील होगा जैसे वो सुन ही नहीं रहा है। पॉसिबली अपियरिंग डेफ, हैविंग नो फियर ऑफ डेंजर, खतरे की कोई परवाह नहीं, सामने कितना भी खतरा हो चूंकि वो अपने आप में खोया हुआ है तो उसका जो ब्रेन है वो सामने वाले खतरे को भी परसीव नहीं कर पा रहा है और इसलिए उसको कोई डर नहीं होता डेंजर और डेंजरस सिचुएशंस का। हैविंग सेंसरी सेंसिटिविटी, इससे पहले भी हमने चर्चा की कि कई बार उनमें एक्स्ट्रा सेंसिटिवनेस पाई जाती है, वो कुछ स्मेल के प्रति हो, किसी विजुअल चीज के प्रति हो, किसी ऑडिटरी चीज के प्रति हो। इकोलिलिया की भी चर्चा हमने की कि बोले गए शब्द को दोहराना। जैसे कई बार एक और चीज देखी गई है जो हालांकि डिफाइनिंग फीचर नहीं कर सकते लेकिन पाई जाती है इकोलेलिया की, आप अगर उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं तो उसका जवाब वो ये नहीं दे पाते, वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते कि हाँ मैं अच्छा हूँ आप कैसे हैं, बल्कि वो मैं की जगह फिर से वो आप कैसे हैं आप पूछेंगे तो वो भी जवाब देंगे कि आप कैसे हैं। कॉजेज ऑफ ऑटिज्म, इससे पहले हम चर्चा कर चुके कि अननोन है, कोई नहीं जानता, आज तक ये मेडिकल साइंस के लिए रहस्य है। रेफ्रिजरेटर मदर की जो थ्योरी आई थी वो भी लगभग समाप्त हो चुकी है और अननोन है कि ऑटिज्म क्यों होता है बच्चों में, नोबडी नोज। साथ ही इस पे अनुसंधान चल रहा है कि आनुवंशिकता का कितना रोल है लेकिन इस पे भी कोई स्पष्ट राय नहीं है। एक चीज जरूर स्पष्ट देखी गई है, ऑब्जर्व की गई है कि अगर पीढ़ियों में किसी को ऑटिज्म हो तो बाद वाली पीढ़ियों में संभावना उसकी ज्यादा होती है। अब आते हैं कि उनके लिए पढ़ाने लिखाने की तकनीक कौन कौन सी होती है, तो उसमें से आजकल जो नया चल रहा है वो सारे ही लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए भी, अधिकांश डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के केस में ये यूज किया जा रहा है, रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन। ये रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन क्या है? रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन फ्रेमवर्क जो है ये प्रिवेंटिव मॉडल है जो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, टीयर्ड इंटरवेंशन और ऑनगोइंग प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, इन 3 चीजों पर आधारित है। ये 3 बेसिक मान्यताएं हैं इसकी, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग,
टियर्ड इंटरवेंशन एंड ऑन गोइंग प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, रेगुलर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पोजेज एन इंटरेस्टिंग कंसिडरेशन द रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन फ्रेमवर्क अ प्रिवेंटिव मॉडल। ध्यान रखिए कि ये प्रिवेंटिव मॉडल है कि जो स्थिति हो चुकी बस उससे आगे नहीं, उसकी रोकथाम करनी है। सो इट इज अ प्रिवेंटिव मॉडल ऑफ यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टीयर्ड इंटरवेंशन एंड ऑन गोइंग प्रोग्रेस मॉनिटरिंग पोजेज एन इंटरेस्टिंग कंसिडरेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी। ये दो चीजों पे फोकस करता है, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन पे और दूसरा सर्विस डिलीवरी पे फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। आगे चर्चा करें रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन की। ये स्टेप बाय स्टेप टियर्ड प्रोसेस है दैट इंक्लूड्स सिस्टमेटिक रिसर्च बेस्ड इंस्ट्रक्शन एंड इंटरवेंशन फॉर स्ट्रगलिंग लर्नर्स विद ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। ये शुरू कब से होता है? अर्ली इंटरवेंशन मॉडल, इट स्टार्ट्स इन किंडरगार्टन एंड इन सम केसेस प्री स्कूल एंड कंटिन्यूज थ्रू द ग्रेड लेवल्स टू इंश्योर दैट नो चाइल्ड फॉल्स बिहाइंड। द फर्स्ट ईयर्स ऑफ द प्रोसेस ऑल टेक प्लेस इन द जनरल एजुकेशन क्लासरूम एंड द जनरल एजुकेशन टीचर्स। इट इज अ सेफ एंड फेमिलियर सेटिंग फॉर स्टूडेंट्स। इसमें यूजली क्या है, तीन टीयर है। पहला टीयर पे उसको जनरल एजुकेशन के क्लासरूम में भेजा जाता है, दूसरे टीयर पे उसको स्मॉल ग्रुप्स में रखा जाता है, और तीसरे टीयर पे उसको इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट बहुत कम मात्रा में दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 80% जो है वो टीयर वन पे जनरल सामान्य बच्चों के साथ उसकी शिक्षा दी जाती है, उसके बाद 15% तक वो छोटे ग्रुप में स्मॉल ग्रुप इंट्रक्शन, और मात्र 5% जो है वो व्यक्तिगत सहायता देने से यूजुअली देखा गया है कि ये बच्चे इम्प्रूव होते हैं। इस टीयर्ड मॉडल को आप अगली स्लाइड पर और अच्छे से समझ पाएंगे, उससे पहले एक थोड़ी सी चर्चा और कर लें कि ग्रोशे एंड ओल्पे जो है उन्होंने RTI रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, इसको आप राइट टू इंफॉर्मेशन ना समझें, रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन के आइडियाज को समराइज किया है कि इंस्ट्रक्शन अक्रॉस मल्टीपल टीयर्स इज एविडेंस बेस्ड। अलग अलग जो टीयर्स पे इंस्ट्रक्शन हम उनको देंगे वो एविडेंस पर आधारित होगा, साक्ष्यों पर आधारित होगा। ऑल स्टूडेंट्स आर रेगुलरली स्क्रीन्ड फॉर एकेडमिक एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। नियमित रूप से उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी किसी भी प्रकार के शैक्षिक या व्यवहार संबंधी समस्याओं के लिए। स्टूडेंट रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन इज असेस्ड फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंट असेसमेंट इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन। टीचर्स मेक इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा। टीचर बिना डेटा के कोई बात नहीं करेगा, जो डेटा उपलब्ध होगा उसके बार बार असेसमेंट किए जाने पर उसके आधार पर ही निर्णय लेगा। और जो पांचवी मान्यता है, पांचवा जो आइडिया कोर थीम है इसका रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन का, वो ये है कि इफ डेटा इंडिकेट द नीड फॉर मोर एजुकेशनल सपोर्ट चिल्ड्रेन मूव टू हायर टीयर्स इन द मॉडल। अगर उसको ज्यादा सहायता की आवश्यकता होगी तो ऊपर के ऊपरी सतह पर हायर टीयर पर वो ले जाया जाएगा, रखा जाएगा। इन विच इंस्ट्रक्शन बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर इंटेंस स्पेसिफिक एंड इंडिविजुअलाइज्ड। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो टीयर 1, 2, 3 है, जैसे जैसे टीयर बढ़ता है, लेवल बढ़ रहा है 1, 2, 3, 1 पर इंस्ट्रक्शन जो है लेस इंडिविजुअलाइज्ड, लेस स्पेसिफिक और लेस इंटेंस है। 2 पर मॉडरेट लेवल पे इंटेंसिटी है, मॉडरेट स्पेसिफिक है और मॉडरेट लेवल का इंडिविजुअलाइज्ड है। और जो टीयर 3 है वो हाईली इंटेंसिव, हाईली स्पेसिफिक और हाईली इंडिविजुअलाइज्ड है। मतलब कहने का है कि जैसे जैसे टीयर बढ़ रहा है, जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे बच्चे का सपोर्ट बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा हाई नीड का है, जिस बच्चे में ऑटिज्म की, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की सीवियरिटी ज्यादा है, जिसको हाई सपोर्ट की आवश्यकता है, वो टीयर 3 पर है। जिसको लो इंटेंसिटी का ऑटिज्म है, जिसको लो सपोर्ट की आवश्यकता है, जिसको कम सहायता चाहिए, वो लोअर टीयर पे है, टीयर 2 पे या टीयर 1 पे। ये आप इससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगी कि उन्होंने क्या कहा था। टीयर 1 पे रेगुलर क्लासरूम लगभग 80% है और 80% पीपल, स्मॉल ग्रुप इंटरवेंशंस लगभग 15% और इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन लगभग 5%। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बच्चे की सहायता बढ़ती जा रही है, जो सहायता उसको दी जानी है वो बढ़ती जा रही है।
और टीयर 3 पर जाकर के तो वो व्यक्तिगत सहायता में बदल जा रही है। टीयर 2 पे छोटे छोटे ग्रुप के इंटरवेंशन और टीयर 1 पर रेगुलर सामान्य क्लासरूम। एक और जो अप्रोच बहुत फ्रिक्वेंटली जब ऑटिज्म की खोज हुई थी उसी समय से चल रही है, वो है टीच अप्रोच, TECCH, टीच अप्रोच, जिसका फुल फॉर्म है ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। ये विकसित किया था यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैलोरिना ने, और इसको एरिक स्कॉपलर और रॉबर्ट रिचलर ने 1960 के आसपास विकसित किया था। जैसा कि हमने इससे पहले चर्चा की, 1943 के आसपास लियो कैनर ने ऑटिज्म का वर्णन किया था अपने पेपर में, ऑटिस्टिक डिस्टर्बेंसेज ऑफ अफेक्टिव कॉन्टैक्ट। और ये पेपर आप चाहें तो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हैं, लियो कैनर का ओरिजिनल पेपर जो एक ऑटिस्टिक बच्चे की बात करता है। ये जो टीच मेथड है इसके जो कोर कंपोनेंट है वो है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देता है, ये इंडिविजुअलाइज्ड शेड्यूल्स पे ध्यान देता है, वर्क एक्टिविटी सिस्टम्स को फोकस करता है, और विजुअल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल इन टास्क एंड एक्टिविटीज, ये 4 चीजों पर फोकस्ड है ये टीच मेथड। इसके अलावा इसके 5 बेसिक सिद्धांत हैं टीच मेथड के, जिसमें कि पहला सिद्धांत फोकस करता है फिजिकल स्ट्रक्चर पे, कि बच्चे के इमीडिएट सराउंडिंग्स को इस प्रकार रिस्ट्रक्चर करें, उसके डेली एक्टिविटीज को खाने से लेकर के खेलने तक को इस प्रकार स्ट्रक्चर करें कि क्लियरली डिफाइंड फिजिकल बाउंड्री उसके सामने अवेलेबल हो। दूसरा, हैविंग ए कंसिस्टेंट शेड्यूल, जो भी आप शेड्यूल उसको फॉलो कराएं बच्चे को सिखाते हुए। इससे पहले हमने ऑटिज्म के सिम्टम में देखा कि ये बच्चे अपने शेड्यूल पे बड़े रिजिड होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से धीरे 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 थोड़ा थोड़ा उनके शेड्यूल में परिवर्तन आएगा। और ऐसे में अगर आप उनको एक कंसिस्टेंट शेड्यूल नहीं प्रोवाइड करते तो उनको सिखाने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए जो भी शेड्यूल आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो कंसिस्टेंट हो और उसको वेरियस माध्यमों से उसको कम्युनिकेट किया जा सकता हो, जैसे ड्राइंग के द्वारा, फोटोग्राफ के द्वारा, जैसे फोटो बना करके दिखाया जा सकता है एक सो करके जागते हुए बच्चे को कि इतने बजे आपको जागना है, एक फोटो ऐसा बना के दिखाया जा सकता है। इस पर आगे और चर्चा करेंगे अभी कि इतने बजे उसको खाना है, इतने बजे उसको सोना है, इतने बजे उसको खेलने जाना है, इस प्रकार की तस्वीरें बना करके उसको दिखाई जा सकती हैं। और वस्तुतः इसको पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो उनकी एक टीचिंग स्ट्रेटजी है, जिसपे इसके बाद हम और चर्चा करने वाले हैं। थर्ड जो टीच मेथड का पार्ट है, द वर्क सिस्टम एस्टेब्लिशेज एक्सपेक्टेशंस एंड एक्टिविटी मेजरमेंट्स, जो सिस्टम आप बनाते हैं उसको सिखाने के लिए, वो इस प्रकार का बनाए कि आप उससे क्या उम्मीद करते हैं ये क्लियरली उसको स्पष्ट हो, और आप उसको कैसे मापेंगे ये भी आप उसको कम्युनिकेट कर सकें। और ये सारी चीजें जो हैं, जो आपने बनाया है, वो दैट प्रमोट इंडिपेंडेंस, वो उसको इंडिपेंडेंट लिविंग में मदद करें। आइडियल वर्क सिस्टम विल कम्युनिकेट ऑब्जेक्टिव्स विथ मिनिमम रिटन इंस्ट्रक्शंस, जो एक आदर्श वर्क सिस्टम हो सकता है वो आप अपने उद्देश्य उनको कम्युनिकेट करें, उसमें शब्दों का प्रयोग कम हो और विजुअल्स के प्रयोग ज्यादा हो। रूटीन इज एसेंशियल बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल सपोर्ट फॉर ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स इज कंसिस्टेंसी। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी एक ऑटिस्टिक बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं आप, तो आप एक निश्चित रूटीन जरूर फॉलो करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी पाई जाती है उनके व्यवहार में भी, उनके शेड्यूल में भी, और उनके डेली रूटीन में भी। तो जो भी आप करें एक प्रॉपर रूटीन, एक प्रॉपर शेड्यूल हमेशा फॉलो करें, और उसमें बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस ना लाएं। विजुअल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स विजुअली बेस्ड क्यूज फॉर रिमाइंडर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप विजुअल आधारित संकेतों का प्रयोग करें, जैसा कि यूजुअली प्रयोग करते हैं पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम में। जो टीचिंग स्ट्रेटजी है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है ये बताते चलें, कि मान लीजिए कि बच्चे में आप देख रहे हैं कि उसका शेड्यूल तैयार कर रहे हैं, उसको कितने बजे पढ़ने जाना है, उसको कितने बजे खाने जाना है, वो बता नहीं पा रहा है। ऐसे बच्चे ये भी नहीं कम्युनिकेट कर पाते कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तो ऐसे में क्या करते हैं पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम में, कि या तो उसी बच्चे की तस्वीर खाना खाते हुए वो लगा दें, या फिर किसी दूसरे बच्चे की तस्वीर, या कोई खाना खाते हुए बच्चे की तस्वीर, ऐसी एक छोटी सी बुकलेट बना लें जो उसके डेली एक्टिविटी में काम आती हो। कोई बच्चा खाना खाने की
पानी पीने की, खेलने की, पढ़ने की, और ये उसको ट्रेन करें कि जब भी उसको भूख लगी हो वो खाने की तस्वीर अगर दिखाता है तो उसको भोजन दे दिया जाए, वो पानी पीते हुए बच्चे की तस्वीर दिखाता है तो उसको पानी दे दिया जाए, वो खेलते हुए बच्चों की तस्वीर दिखाता है इसका मतलब है उसको खेलने का रूटीन हो गया है। दिस इज नोन एज पेक्स, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड इट इज फाउंड वेरी इफेक्टिव ऑन चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म। इसके अलावा डिफरेंशियल इन्फोर्समेंट है। डिफरेंशियल इन्फोर्समेंट के 4-5 शेड्यूल हैं, आज समय बहुत ज्यादा हो चुका है, कभी इस पर फुर्सत से चर्चा करेंगे। डिफरेंशियल इन्फोर्समेंट अपने आप में एक लेक्चर का पूरा विषय है। इसमें DRO कि जैसे बच्चे के जिस बिहेवियर को आप परिवर्तित करना चाहते हैं उसमें डिफरेंशियल इन्फोर्समेंट ऑफ अदर बिहेवियर्स, DRA डिफरेंशियल इन्फोर्समेंट ऑफ अल्टरनेट बिहेवियर्स, इस प्रकार डिफरेंशियल इन्फोर्समेंट जो बच्चे से आप कराना चाहते हैं उस व्यवहार को, अगर मान लीजिए कोई बच्चा एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है तो उसके अल्टरनेट बिहेवियर को आप इन्फोर्स करें, DRA डिफरेंशियल इन्फोर्समेंट ऑफ अल्टरनेट बिहेवियर, DRO डिफरेंशियल इन्फोर्समेंट ऑफ अपोजिट बिहेवियर, जो बिहेवियर प्रॉब्लम आप उसे चेंज करना चाहते हैं उसके अपोजिट बिहेवियर को रिइंफोर्स करें। इस प्रकार का अगर टीचिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो ऑटिस्टिक बच्चों में इंप्रूवमेंट हो सकता है। एक और जो आवश्यकता उनको होती है सेंसरी इंटीग्रेशन की, उनमें बहुत सारी कमी पाई जाती है सेंसरी इंटीग्रेशन की। जैसे सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कई एक्टिविटीज ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में जिनमें कई सेंसेज को इंटीग्रेट होकर काम करना पड़ता है। जैसे जब हम लिखने के लिए बैठते हैं, हालांकि हमने बहुत आसानी से सीख लिया है इसलिए कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता कि उसमें कितने मैकेनिज्म वो शामिल हैं। लिखने के प्रयास में आपको ट्राइपॉड डेवलप हो रहा होना चाहिए, जैसे कि दो उंगलियों को तीन उंगलियों को मिला के पेन कैसे पकड़ते हैं, ये फाइन मोटर स्किल डेवलप हुआ होना चाहिए ट्राइपॉड। उसके अलावा आई हैंड कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है कि जहां पे आपने हाथ रखा है वहीं पे आपकी आंख भी देख रही हो। दिस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स स्किल। इसी प्रकार मान लीजिए कि किसी टेबल के नीचे आप अंदर घुसे हैं और आपको बाहर निकलना है, तो बाहर निकलते वक्त आप को ये अनुमान हो जाता है कि कितना ऊंचा उठेंगे हम तो हम टेबल से टकराएंगे नहीं, जिसको स्पेशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये सारी चीजें भी उनमें कई बार डेवलप नहीं हो पाई होती हैं। इसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कई बार सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो अदर थेरेपी हो सकती है ऑटिज्म के बच्चे की, उसकी आवश्यकता के अनुसार हमेशा ध्यान रखिए कि एक ऑटिस्टिक का बच्चा जो है वो बहुत ही हाईली इंडिविजुअलाइज्ड है, हाईली स्पेसिफिक उसके इंटरेस्ट हैं, हाईली स्पेसिफिक उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेज दो ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए कोई भी प्लान ए जो है एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए प्रभावी है, वो वही प्लान ए दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए प्रभावी नहीं हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए उसकी नीड के अनुसार टेलर करना पड़ेगा कि व्हाट शुड बी हिज एजुकेशन प्लान। अगर उसको आवश्यकता है तो योगा थेरेपी, आवश्यकता है तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, आवश्यकता है तो उसको फिजियोथेरेपी, आवश्यकता है तो उसको एक्वा थेरेपी, आवश्यकता है तो उसको म्यूजिक थेरेपी, आवश्यकता है तो उसको प्ले थेरेपी, इस प्रकार की थेरेपीज आप दे सकते हैं। तो सारांशतः आज हमने चर्चा की कि ऑटिज्म क्या है आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। उसमें हमने ये जाना कि ऑटिज्म में तीन कोर फीचर होते हैं, एक कि बच्चे में सामाजिक व्यवहार विकसित नहीं हुआ होता है, दूसरा बच्चे में संप्रेषण स्किल जो है वो बहुत कमजोर होता है, और तीसरा कि स्टीरियोटाइप रिपीटेटिव बार 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 किए जाने वाले बिहेवियर्स के प्रति उसकी ज्यादा रुचि होती है और बार बार वो एक्टिविटीज करता है। ऑटिज्म का कोई कारण आज तक पता नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि जिन फैमिलीज में पूर्वज ऑटिज्म से ग्रस्त थे उनकी पीढ़ियों में भी ऑटिज्म पाया जाता है। और ऑटिज्म के शिक्षण विधियों में जो नवीन तकनीकें चल रही हैं उनमें रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन है, और रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन के अलावा टीच मेथड है, और टीच के अलावा डिफरेंशियल इन्फोर्समेंट हम उपयोग कर सकते हैं, और डिफरेंशियल इन्फोर्समेंट के अलावा उनकी जो जरूरत है उसके अनुसार सेंसरी इंटीग्रेशन, फिजियोथेरेपी, योग थेरेपी, स्पीच थेरेपी और इस प्रकार की बहुत सारी थेरेपीज दी जा सकती है। एक और चीज हमने जाना कि ऑटिज्म जो है एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक कहने का मतलब है कि इसकी परिभाषाएं और इसकी नैदानिक क्राइटेरिया जो है वो बार बार परिवर्तित होते रह रहे हैं, और सबसे पहला जो इसका वर्णन किया था लियो कैनर ने अपने पेपर में 1942-43 के आसपास उसमें किया था। तब से आज तक ऑटिज्म पे नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, उन अनुसंधानों के आधार पर उसकी परिभाषाएं बदल रही हैं। इतनी देर तक
धैर्य पूर्वक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आप सबों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आप लोगों से करीब 8-10 मिनट बाद जुड़ पाया, क्योंकि वो जो तकनीकी समस्याएं थी वो अपनी जगह पे थी। और मैं आप सभी श्रोताओं के प्रति हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अभिवादन, इस ग्रुप नियंता जो हमारे हैं सोमू सिंह जी, उनके प्रति भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज का सत्र समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।